झारखंड मुक्ति मोर्चा से रही जामा विधायक सीता सोरेन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लगातार सीता सोरेन पार्टी से नाराज चल रही थी। पारिवारिक तालमेल की कमी के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि सीता सोरेन ने अपने इस्तीफे में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए लिखा, आदरणीय गुरुजी, केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा, मैं सीता सोरेन झामुमो की केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य से इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पति दुर्गा सोरेन ने आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, बावजूद इसके मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है। हालांकि यह नाराजगी काफी दिनों से चल रही थी। गुरुजी शिबु सोरेन ने सभी को एकजुट रखने का भरसक प्रयास किया, पर ऐसा हो ना सका। आखिरकार सीता भाजपा में शामिल हो गई। सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद झामुमो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के देहांत के बाद पार्टी ने सीता सोरेन को पार्टी में जगह देते हुए 3 बार चुनाव जीतने का काम किया। साथ ही साथ उन्हें पार्टी का केंद्रीय महासचिव भी बनाया गया। लेकिन जो मन में लेकर बैठा हो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। झामुमो के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा को यूज एंड थ्रो वाली पार्टी बताया और कई राज्यों के नेताओं का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह उनकी जब तक जरूरत थी तब तक उनका यूज किया गया, उसके बाद उन्हें अलग कर दिया गया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण मुझे याद है कि दुर्गा भैया के दुखद निधन के बाद दुर्गा भैया को अपने बीच में पाने के लिए हम लोगों ने भाभी को न केवल जामा से विजयी बनाकर लगातार 3री बार भेजा, ये कार्यकर्ता ही भेजते हैं। पार्टी ने भी उनकी जो नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता है उसको देखते हुए न केवल कार्य समिति का सदस्य बल्कि महासचिव के पद पर भी उनको आसीन किया है, क्योंकि हमारे जितने उपाध्यक्ष हैं वो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि जब किसी को कहीं कुछ जाना पड़ता है तो फिर तो कारण बताना ही पड़ेगा। सबको ही तो पशुपति कुमार पारस है नहीं कि उन्होंने मंत्रिमंडल से जब त्याग पत्र दिया तो 3 लाइनों का दिया, उन्होंने धन्यवाद भी दिया, लेकिन जो खामोशी उनके अंदर है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनको यूज एंड थ्रो किया, तो ये बताता है ना भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा क्या। जब जिसकी जरूरत पड़े उसी को पिक करो। आपने देखा होगा कि वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान जी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, इनको भी जब तक जरूरत थी तब तक रखा, उसके बाद फेंक दिया। कभी सुने कि एक मुख्यमंत्री को डिमोट करके उपमुख्यमंत्री बना दिया गया महाराष्ट्र में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जरूरत उनको नहीं थी। कभी सुने कि दूसरे पार्टी से जिनके खिलाफ आरोप थे, मंत्री थे, उन पर सीबीआई की जांच हो रही थी, हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में मांग कर रहे थे, वो सीधे भाजपा में आए और चुनाव जीते और उप मुख्यमंत्री बन गए। दादा लगता है दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन गए और जो वहां के मुख्यमंत्री थे। झामुमो ने कहा कि सीता सोरेन के भाजपा में जाने से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना है कि एक वोट हमारा कम पड़ जाएगा। इसके साथ ही सीता सोरेन को उन्होंने भाजपा में शामिल होने की शुभकामनाएं दी। भाजपा में शामिल होने के साथ ही देखने वाली बात यह होगी कि क्या सीता सोरेन को लोकसभा का टिकट भाजपा से मिलता है या नहीं। इसके लिए इंतजार करना होगा।